जिले में टॉप 10 सूची में दूसरा स्थान प्राप्त की। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसके अनुसार तो रिजल्ट उतना नहीं आया, पर फिर भी जो आया अच्छा है। जितना मेहनत की उस बहुत अच्छा रिजल्ट और आ सकता है। श्रेय किसको देना चाहती हैं? इस परिणाम का श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों को देना चाहूंगी और मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे इसमें। बलिया में ही सही दूसरा नंबर आया। उम्मीद करते हैं कि और भी आगे की यूपीएससी की तैयारी में बढ़िया करें, समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों, विपरा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जिला बलिया के उधर रामपुर गांव में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी बोर्ड का परिणाम निकल चुका है और उसी कड़ी में हम उधर रामपुर के आने वाली मोहिनी कुमार गोड़ इंटरमीडिएट में जिला टॉप 10 की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। तो अभी हमारे साथ वो मोहिनी कुमार गोड़ और उनके परिवार के सभी सदस्य और खुशियाँ बांटने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम मोहिनी गोंड है और मेरे पिता का नाम मिस्टर अनिल गोंड है। माता का नाम मिसेस पुष्पा देवी है और मैंने 12th में 500 में से 467 नंबर प्राप्त करके पूरे बलिया जिले में दूसरा रैंक प्राप्त की हूँ। किस स्कूल से आप ये इंटरमीडिएट? केशव इंटर कॉलेज कुशा ब्रामर जजोजी बलिया। तो कैसा लग रहा है आपको दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले के टॉप 10 सूची में? बहुत अच्छा लग रहा है, इसी के लिए मेहनत किए थे और परिणाम आया है। तो कितना आपको मेहनत करना पड़ा होगा? जैसे साल भर आपने पढ़ाई की और आप जिले में टॉप 10 सूची में दूसरा स्थान प्राप्त की। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसके अनुसार तो रिजल्ट उतना नहीं आया, पर फिर भी जो आया अच्छा है। जितना मेहनत किए उस बहुत अच्छा रिजल्ट और आ सकता था, पर जो भी अच्छा है। अभी भी आपको लगता है कि नंबर आपका कम है, उसकी कमी खल रही है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत है। तो इस परिणाम का आप श्रेय किसको देना चाहती हैं? इस परिणाम का श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों को देना चाहूंगी और मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे इसमें। तो आगे चल के आपको क्या करना है थोड़ा इसके बारे में? आगे चलकर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। और आप अपने जूनियरों को क्या मतलब किस सलाह देना चाहेंगी कि आपसे कुछ सीखने के उनको प्रेरणा स्रोत मिले? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप भी स्ट्रगल करेंगे तो आप मुझसे भी अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अभी उनके भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं विवेक कुमार गोड़ ग्राम प्रधान रामपुर। कैसा लग रहा है आप? बहुत खुशी, इतनी खुशी कि मैं कल से जब से सुना मैं था बिल्थरा रोड, वहाँ से भागते हुए आया, बहन को मिठाई उठाई खिलाया और हम लोग का मान सम्मान बढ़ाई है। इसके लिए मैं तहे दिल से इसको धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे और भी तैयारियाँ और पढ़ाई करती रहे, जैसे हमारे परिवार का नाम रोशन हो सके। तो इसमें आपका भरपूर सहयोग रहेगा? जी, भरपूर सहयोग, पूरा परिवार का भरपूर सपोर्ट रहेगा, ताकि हमारे घर के बच्चे हर काम और हर चीज़ को पढ़ाई में चाहे किसी भी स्तर पर मतलब जाना हो पढ़ाई के पीरियड में, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। अगर कुछ और कहना चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों से तो थोड़ा? यही कहना चाहेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत से अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी हमारे साथ यहाँ बीच में समाजसेवी रामप्रीत जी मौजूद हैं, तो इनसे बात करने कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले से उम्मीद था कि हमारी सिस्टर जो हमसे पहले मुलाकात हुई थी कि हो सकता है यूपी में टॉप कर जाए। बलिया में ही सही दूसरा नंबर आया। उम्मीद करते हैं कि और भी आगे की यूपीएससी की तैयारी में बढ़िया करें, समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको कैसा लग रहा है? आप अपना परिचय देते बताएं थोड़ा। मेरा नाम दिलीप कुमार गोंड है, मैं इनका मामा हूं। मैं ये संकेत दे रही है एक लड़की जो है कि कुछ कर सकती है और कुछ करके जो लाई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए, माँ बाप को डरना नहीं चाहिए, जो भी है बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजनों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भेजें ट्यूशन पढ़ें, और जो है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की जो है भविष्य है और अपना मनोबल खुद जो समझती हैं और पढ़ने में जो है कि जो प्रेरित करती हैं। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद की प्राप्ति है। जिस प्रकार देश में बेटों के बजाय बेटियों का अच्छा परिणाम आ रहा है और हर एक ऊँचे पद पर बेटियाँ जा रही हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों का विचार जो है लड़कियों का बहुत सफलतापूर्वक रहा है। अपने मनोबल से कभी नीचे नहीं हटना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। माँ बाप का जो प्राप्ति होती है, जो दिल से कहते हैं बेटी पढ़ो, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। खुल कर जा करो, पढ़ें लिखें और अपने आप पर जो भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और उसका सफलता जरूर मिलता है। मैं दिल से कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जिले की टॉप 10 सूची के दूसरे स्थान पर मोहिनी कुमार गोड़ का हमने इंटरव्यू लिया और उन्होंने प्रेरणा स्रोत के बारे में दर्शकों को और अपने जूनियर्सों को बताया कि मतलब कि आप लोग मेहनत के बदौलत अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं भीमपुरा न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।